हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th का सर्कल चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो देखिए उसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है कि हमने एक सेंटर पॉइंट फिक्स कर लिया, सेंटर ओ, और इस ओ से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट हमने ले लिए इस प्रकार से कि सपोज ये पॉइंट आपका ए है, दिस इज ए एंड दिस इज B एंड दिस इज C, दिस इज D। तो बच्चों जितना OA का डिस्टेंस होगा, जितना OB का डिस्टेंस होगा, जितना OC का डिस्टेंस होगा और जितना OD का डिस्टेंस होगा, ये सारे डिस्टेंस आपस में इक्वल होने चाहिए। और उसके बाद अगर इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो एक शेप बनेगी। इस शेप को हम क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्कल। तो फाइनली वी कैन से दैट कि सर्कल बहुत सारे पॉइंट्स का किसी भी प्लेन पे कनेक्शन होता है। क्या होता है? सर्कल किसी भी प्लेन पे बहुत सारे पॉइंट का क्या होता है? कनेक्शन होता है, जो सेंटर से फिक्स्ड डिस्टेंस पर मेनी पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनता है। ओके, तो हम यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट दैट इज ओ, एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ दी सर्कल। ओके, तो बच्चों फाइनली सर्कल क्या है? ए सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ध्यान रखना। ओके, तो फाइनली ये हमारा क्या है? दिस इज सेंटर एंड दिस इज रेडियस। ओके ओके बच्चों, ध्यान से समझिए। हमारे पास अगला पॉइंट है सीकेंट। सीकेंट सीकेंट क्या होता है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल है और कोई कंप्लीट स्ट्रेट लाइन इस पूरे सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है जो इस पूरे सर्कल को दो पॉइंट पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करती है। इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहेंगे? सीकेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? सीकेंट। वो लाइन, वो कंप्लीट लाइन जो पूरे सर्कल को दो पार्ट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट लाइन इज कॉल्ड सीकेंट। ओके, याद रखना। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा कोर्ड्स। कोर्ड्स वो जैसे ही हमारा एक स्ट्रेट लाइन सर्कल है और ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है ए बी, अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी भी सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? कोर्ड्स कहेंगे। कोर्ड्स बच्चों याद रखना, सीकेंट इज द कंप्लीट स्ट्रेट लाइन एंड कोर्ड्स इज द लाइन सेगमेंट। अगर कोई कंप्लीट स्ट्रेट लाइन किसी सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो इस कंप्लीट स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहेंगे? सीकेंट कहेंगे। और अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी सर्कल को दो पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसे हम क्या कहेंगे? उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? कोर्ड्स कहेंगे। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो समझिए टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है
जो सर्कल को एक्सटर्नली वन पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगी। अगर कोई स्ट्रेट लाइन सर्कल को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगी उस लाइन को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। और ये टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो कहने का मतलब अगर कोई स्ट्रेट लाइन सर्कल को एक्सटर्नली एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगी तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे, टेंजेंट। तो यहाँ पे ए भी क्या है, टेंजेंट है, और ये टेंजेंट सर्कल को पी पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहेंगे। ओके, तो बच्चों टेंजेंट्स के रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से समझिए कि अगर आपसे ये कहा जाए कि सर्कल के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। सर्कल के किसी एक पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, याद रखना। दूसरा, अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे कितने इक्वल टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो बच्चों याद रखना किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे मैक्सिमम टू इक्वल टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टू इक्वल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, तो आप क्या कहोगे, एपी किसके इक्वल होगा, बीपी के। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे दो इक्वल टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ओके, तीसरी बात ये आप याद रखेंगे कि अगर ये सर्कल है और क्वेश्चन ये कहा जाए आपको कि एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो बच्चों ध्यान से समझना, एक टेंजेंट्स ये भी हो सकता है, 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 एक टेंजेंट्स, इस तरीके से इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट। तीन बातें आपको बताए कि किसी भी सर्कल के किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वन टेंजेंट, और किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कितने इक्वल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा मैक्सिमम टू इक्वल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, याद रखना। और किसी भी सर्कल के पास कितने टेंजेंट्स होते हैं, किसी भी सर्कल के पास इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स होते हैं। इसमें अगर क्वेश्चन में एक्सटर्नल पॉइंट ना कहे या सर्कल पे कोई पॉइंट ना कहे, सीधे कहे सर्कल हाउ मेनी टेंजेंट्स आर देयर इन अ सर्कल, देन वी कैन से दैट इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स, किसी भी सर्कल के पास इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स होते हैं। दूसरी बात के अगर आपके पास सर्कल है और क्वेश्चन में कहा जाए कि किसी भी सर्कल के पास कितने मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं, तो बच्चों ध्यान देना कि डायमीटर के एंड्स पर, अगर ये आपका ए बी डायमीटर है, इसके एंड्स पर जो टेंजेंट होंगे, दिस टेंजेंट एंड दिस टेंजेंट, सपोज इसका नाम मैं पी क्यू और इसका नाम मैं एम एन ले लू, तो ये जो पी क्यू और एम एन होगा ये क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा, पी क्यू पैरेलल टू एम एन, वो टेंजेंट जो सर्कल के डायमीटर के एंड्स पे ड्रॉ होते हैं, वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए एक्सरसाइज 10.1 के कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स स्पेसिफाइड नहीं है किसी भी सर्कल के पास, अभी आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स होते हैं, किसी भी सर्कल के पास इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेप्ट इन एग्जैक्टली वन पॉइंट, कि जो सर्कल का टेंजेंट होता है वो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेप्ट करता है, तो यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली वन पॉइंट। ओके, आगे समझिए ए लाइन इंटरसेप्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन,
कि वो लाइन जो किसी भी सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उसे हम क्या कहेंगे, सीकेंट। अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड अ सीकेंट। ए लाइन कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, कि किसी भी सर्कल के पास कितने पैरेलल टेंजेंट्स होंगे, डायमीटर के एंड्स पर जो टेंजेंट होंगे वही टेंजेंट क्या होंगे, पैरेलल टेंजेंट्स होंगे। तो डायमीटर के एंड्स पे मैक्सिमम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, टू टेंजेंट्स। तो ए सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, याद रखना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, इट्स मीन कि जो सर्कल है आपका, सर्कल का कोई कॉमन पॉइंट है और इस पॉइंट से कोई टेंजेंट पास कर रहा है, तो इस कॉमन पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, सर्कल पे कोई पॉइंट क्या हमारा पी है। ओके, ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और ये जो रेडियस है ये आपका गिवन है 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट, ये पॉइंट क्यू है हमारा, सो दैट ओ क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये ओ क्यू कितना गिवन है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ पी क्यू बताओ, लेंथ पी क्यू की वैल्यू हमें निकाली है। बच्चों एक थ्योरम है हमारी, हमेशा ये थ्योरम मैं प्रूव करूंगा इन क्वेश्चनों के बाद, कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। तो इस प्रकार से आप क्या कहोगे, ओपीक्यू कौन सा ट्रायंगल है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ओके, तो आप सिंपली कह सकते हो इन ट्रायंगल ओपीक्यू में अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर दोनों के सम के इक्वल होता है। तो क्या कहोगे आप, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, ओपी स्क्वायर और प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, और ओपी के प्लेस पर हमारी वैल्यू कितनी है 5, तो 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू हमें मालूम नहीं है और ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12, तो 12 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 144, तो यहां से पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144 माइनस 25, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस 5 कितना होगा 9 और 13 माइनस 2 कितना होगा 11। ओके, और जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ओके ओके बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंट टू द सर्कल। ध्यान से समझिए क्वेश्चन में, मेरा टू लाइंस ड्रॉ करो, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सीकेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। सीकेंट एक कंप्लीट लाइन होती है जो सर्कल को टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। तो सपोज ये हमारी सीकेंट है, दिस इज ए बी, जो सर्कल को पी और क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, और ये हमारा टेंजेंट है, जो सर्कल को सी डी हमारा टेंजेंट है, जो सर्कल को आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और बच्चों ये हमारा सीकेंट है और ये हमारा टेंजेंट है, और क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो जो आपका ए बी सीकेंट है वो पैरेलल है सी डी टेंजेंट के। ओके बच्चों,